और आइए अब शुरुआत करते हैं हफ्ते की बड़ी खबर से। भारत में बाढ़ और सूखे का कहर बढ़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में करोड़ों लोग इस समय बाढ़ और सूखे की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठे हैं, लेकिन भारत सरकार की कोशिशों के बाद भी पशुओं को आपदा प्रबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जा सका है। हर साल बाढ़ की विभीषिका में करीब 1,00,000 पशु दम तोड़ देते हैं। देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब उतरा रहा है। खेतों में फसलें डूब गई हैं और घरों में पानी भरा हुआ है। राज्यों का आपदा प्रबंधन तंत्र राहत और बचाव में लगा है। एनडीआरएफ की सेवाएं भी ली जा रही हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों की फिक्र शायद ही किसी को है। बहुत से पशु खूंटे से बंधे ही डूब कर मर गए। हर साल करीब 1,00,000 जानवर आपदाओं में दम तोड़ देते हैं। सरकार के पास फिलहाल इसके आंकड़े नहीं हैं कि सालाना पशुओं के मरने से कितनी आर्थिक क्षति होती है। पशुधन का बहुत सारा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें फ्लड्स में होता है, क्योंकि जब जब लोगों की ही स्थिति ऐसी है कि हम उनको रेस्क्यू करके कहाँ रखें और रिलीफ कैंप्स और ये सब इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो पशुधन के बारे में तो हम पूरी व्यवस्था कर ही नहीं पाते। तो ये ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं और इनका एक्चुअली आर्थिक आकलन भी नहीं हो पाता। आप घर मकान डैमेज हुआ या कोई जान माल गया तो आप ये कहते हैं भाई इसको इतना मुआवजा मिलना है या मकान के लिए इतना मिलना है या इसमें इतनी क्षति हुई इसको क्षतिपूर्ति इतनी होनी चाहिए, बट जो पशुओं को नुकसान होता है उसका वो रेशियो कभी आता नहीं है और बहुत सारे आंकड़े भी हमारे पास नहीं आते हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर हाल में सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन 2005 में बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम में भी पशुओं का मुद्दा शामिल नहीं हुआ। प्राकृतिक आपदाओं में एजेंसियों का जोर जनधन पर ही रहा है। बीते साल पशुओं को बचाने को लेकर आपदा प्रबंधन योजना केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने तैयार की, लेकिन फिर भी तस्वीर बदली नहीं है। कुछ राज्यों ने अपनी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। इसी तरह वन्य जीवों को बचाने की दिशा में भी तैयारी न के बराबर है। इसी साल काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य में बहुत से जानवरों ने दम तोड़ दिया। आपदा प्रबंधन में और लोगों की सहभागिता ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, औरतें बेचारी महसूस करती हैं कि वो क्या करें, और बुजुर्ग लोग नेचुरली असहाय होते हैं, जानवरों की भी समस्या है, उनको बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो इनको थोड़ा सा मोटिवेट करना था और एक संदेश देना था देशभर के युवाओं को कि बगैर उनके ये काम नहीं होगा, और प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि हम सबकी भागीदारी से ये काम हो सकता है। भारत का एक बड़ा हिस्सा हर साल आपदाओं की चपेट में आता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल औसतन 95,000 पशु बाढ़ से मर जाते हैं। 2001 से 2014 के बीच 11,16,000 जानवरों की मौतें प्राकृतिक आपदाओं में हुईं। इस साल बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम की बाढ़ में पशु संपदा का भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के वजह से हर साल करीब 93,000 एनिमल्स पेरिश हो जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है और वो एक आंकड़ा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह भी ऐसा भी स्थिति होता है जहाँ पे वो रिपोर्टेड नहीं होता है कि छोटे बाढ़ हैं, बड़े बाढ़ का तो हमको आकलन हो जाता है। तो वो एक अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें और जो उनके जो किसान जिनके जानवर बाढ़ में मर गए हैं, बह गए हैं, उनके हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा लॉस है। बट एक एनिमल का जो लॉस है वो सिर्फ उस एक एनिमल का लॉस नहीं है, वो फ्यूचर इकोनॉमिक लॉस भी है। पशु बेजुबान हैं, शायद इसी नाते ना तो मीडिया का उनकी तरफ ध्यान जाता है और ना ही सरकारी एजेंसियों का। जोर इंसानों को बचाने तक ही सीमित रहता है। वैसे पशुओं के मसले पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने काफी अध्ययन किया है, लेकिन जमीन पर हालत चिंताजनक बनी हुई है। भारत सरकार इस पे काफ़ी प्रयासरत है और भारत सरकार के जो जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग है पशुधन का,
उसने एक आपदा प्रबंधन योजना भी इस तरह से बनाई है। अब चूंकि ये है कि आपदा प्रबंधन योजना जो बनी है वो राष्ट्रीय स्तर पे बनी है, बट वो उसको जमीनी स्तर पे ले जाने की ज़रूरत है। तो योजना तो बहुत अच्छी है, बट वो क्रियान्वयन कैसे हो, क्रियान्वयन में हर एक किसान, हर एक ग्रामीण व्यक्ति की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। जो लोकल गवर्नमेंट है, हमारी पंचायत है या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। पशु ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है, करोड़ों परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं, इसलिए उनको बचाने की दिशा में भी गंभीर प्रयासों की जरूरत है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। इस गंभीर मसले पर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने NIDM के प्रमुख डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता से बात की। ये रक्षा इस समय जो आपदाओं का क्रम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी भी देखिए तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बाढ़ जो है कुछ जगह दो दो बार तीन तीन बार आ चुकी है जो है। और जो राज्यों का जो प्रबंधन तंत्र है वो उतना सक्षम नहीं लग रहा है। सेना भी लगी है, NDRF भी लगी है। अभी तक का जो राज्यों का खासतौर पर जो नेटवर्क रहा है उसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जान और माल की तो बात हो रही है, जानवर बहुत बड़ी संख्या में जो है उसमें प्रभावित हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेते हुए एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ के तौर पर आपको क्या लगता है करने की ज़रूरत? देखिए, ऐसा है कि इस बार अगर बाढ़ को आप देख लें तो 2/3 से ज़्यादा जो भूभाग है देश का वो बाढ़ के अंदर है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले ऐसी घटना नहीं हुई, पहले इससे ऐसी पहले भी हुई है और इससे ज़्यादा भूभाग हमारा जलमग्न हुआ है। अभी थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ है पिछले 15-20 साल या आप 30 साल में ले लें, वो ये हुआ है कि जो बसाहट है या जो हम लोगों का जो आबादी वाला क्षेत्र है या अपने काम करने का कार्यकलाप का क्षेत्र है, शहर गांव दोनों मिला करके, और प्राकृतिक क्षेत्र एक दूसरे के साथ इनक्रोचमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, नेचुरल एरिया कम हो गया है। तो जब बरसात हो रही है तो फ्लड प्लेन में अब उसकी कैपेसिटी जो है रिवर बेसिन की भी कम है, तो वो पानी जाए कहाँ? तो वो कन्फ्लिक्ट जब हो रहा है इसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं बाढ़ डिज़ास्टर बन रहा है। अदरवाइज़ बाढ़ तो एक प्राकृतिक फिनामिनन है, बाढ़ तो प्रकृति को क्लीन करती है, उसी की वजह से अच्छी मिट्टी आती है, वो एक बहुत बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। लेकिन अब बाढ़ किसी को बोलेंगे तो बाढ़ वो डिज़ास्टर के रूप में देखता, आपदा के रूप में देखता, क्योंकि उससे जो जन धन और पर्यावरण की हानि और ज़्यादा हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बात आती है जब लोगों के बचाव की खासतौर पर, तो हमने देखा जो व्यवहारिक अनुभव ये रहा है कि जो हमारी देसी नौकाएं हैं आज की तारीख में, वो सबसे बड़ा एक तरह से मतलब सबसे नेग्लेक्टेड होने के बावजूद सबसे बड़ी राहत वो देती हैं। बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि जो इस तरह के जो प्रभावित इलाके हैं यहाँ, इनके तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, खासतौर पर जिलों के प्रशासन को क्या करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। अभी क्या हो गया है कि जो हमारे प्लान्स बनते हैं उसमें सब बाहर से जो सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई नौकाएं और ये सब लेने का प्रावधान टेंडर करके और लेने का, हम ट्रेडिशनल नॉलेज को धीरे धीरे जो छोड़ गए हैं, भूल गए हैं, वो एक बहुत बड़ी भूल है। तो हमें वापस ट्रेडिशनल नॉलेज को लेना पड़ेगा। इवन कई बार हम लोग बात करते हैं जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, गांव के हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, कई बार वो जो व्यर्थ पदार्थों से, जैसे कई बार वो टायर है, कई बार वो इस तरह की चीज़ों से वो ऐसे चीज़ें बना लेते हैं। आजकल कुछ ऐसे भी जो बिस्लरी की बॉटल्स को भी यूज़ करके वो अपने रेस्क्यू के लिए, तो ये सब कि हम जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है, जो आसानी से वहाँ पे मटेरियल मिल जा रहा है, या जो हमारी काठ नौकाएं जो पहले की बिल्कुल सिंपल छोटी छोटी नौकाएं थी, और जब नौकाएं लोगों के पास होंगी तो उन्हें चलाने का अभ्यास भी होगा। अभी क्या है, हम बड़ी बोट ला के तो रख लेते हैं और चलाने वाले बहुत कम होते हैं, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो चलाने वाला बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो नौकाएं अधिक संख्या में हों, लोकल हों, कम लागत वाली हों, जिनकी मरम्मत भी अच्छे से हो जाए या उन्हें बदला भी जा सके, और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए अभ्यास भी लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को अभ्यास हो, तो ये बहुत अच्छा एक साधन बन सकता है, क्योंकि छोटी छोटी नौका जल्दी पार भी हो जाती है, भले उसमें कम लोग जाते हैं लेकिन वो लोकली उसको रिपेयर भी हो जाता है, या ज़्यादा और भी तैयार करनी है फटाफट तैयार भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनकी आवश्यकता है, इवन मेडिसिनल भी, अगर लोगों को कुछ बीमारी हो गई है तो कैसे आप
वहाँ पर तत्काल दवाई मुहैया कराएंगे, कैसे लोगों को व्यवस्था करेंगे। तो इन चीज़ों में भी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो लोकल जो क्षेत्रीय ज्ञान लोगों का था, इसको कहीं ना कहीं प्लान में हमें दोबारा लाने की ज़रूरत है।